अज असीं तुहानूं जिस देश बारे दसण जा रहे हाँ, इस देश का कोई भी स्वतंत्रता दिवस जाने कि इंडिपेंडेंस डे नहीं है। इस देश दे विच हुण 2022 नहीं बल्कि 2079 चल रहा है। पर किवें दुनिया के बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इस देश ने अपने नाम किए ने। इस देश का राष्ट्रीय पशु गां है ते इस नूं मारना इत्थे गैर कानूनी है। इस देश दे विच तुहानूं चारे पासे बर्फ दे नाल ढके हुए पहाड़ मिलणगे। हाँ जी, असीं गल कर रहे हाँ हिमालय की गोद दे विच वसे हुए एक बहुत ही सोहणे देश नेपाल की, जिहड़ा कि अपनी कुदरती सुंदरता दे लई पूरी दुनिया दे विच प्रसिद्ध है। इह इक अजिहा देश है जिसके बॉर्डर की सिक्योरिटी जाने के उसकी सीमावां की रक्षा खुद हिमालय पर्वत कर रहा है। दुनिया के पुराने देशों के विचों एक नेपाल की संस्कृति और परंपरा काफी देशों तो अलग है। इत्थे लोग आपस में हाथ बहुत घट मिलाते हैं तो नमस्ते बोल के एक दूजे का स्वागत करते हैं। अज की इस वीडियो असं तुम्हें नेपाल बारे बहुत कुछ दसांगे जो तुम पहले कदे नहीं सुनिया होगा। सो जुड़े रहो मेरे नाम, मैं थोड़ा होस्ट जसप्रीत सिंह, जो तुम देख रहे हो चोट टीवी। नेपाल का इतिहास 2000 सालों तो भी ज्यादा पुराना है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। इसका बॉर्डर भारत और चीन के नाल लगता है। दो शक्तिशाली देशों के विचाले होने के बावजूद भी नेपाल एक दुनिया का अजिहा देश है जो अज तक कदे भी गुलाम नहीं होया। वैसे तो नेपाल के उपर बहुत सारे राजियों ने राज किया है, पर हिमालय के पहाड़ों के नाल घिरया होया होने करके कोई भी विदेशी ताकत अज तक नेपाल नूं गुलाम नहीं बना सकी। इसलिए नेपाल का कोई भी स्वतंत्रता दिवस जाने के इंडिपेंडेंस डे नहीं है। नेपाल का कुल खेत्रफल 1,47,516 स्क्वेयर किलोमीटर है। अपने खेत्रफल के हिसाब से दुनिया के बड़े देशों की सूची के नेपाल 93 नंबर से आता है। नेपाल की जेकर आप जनसंख्या की गल करिए अज के दिन इसकी आबादी लगभग 3 करोड़ है। आबादी के मामले में यह देश पूरी दुनिया के 49 नंबर से आता है। नेपाल की गिनती दुनिया के गरीब देशों के की जाती है। नेपाल की GDP सिर्फ 30 बिलियन US डॉलर है। नेपाल की अद्धी तो ज्यादा आबादी दिन के सिर्फ 1 डॉलर तो घट कमाती है। इसलिए वही संख्या के नेपाली लोग भारत के आके नौकरिया से व्यापार करते हैं। नेपाल देश का नाम एक महान संत नेमी के नाम से रखा गया है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों के झंडे रेक्टेंगल शेप के होंगे, पर नेपाल एक अजिहा देश है जिसका झंडा दो तकोणा मिला के बनाया गया है। यह दो तकोण माउंट एवरेस्ट बयान करते हैं। इसके झंडे के उपर लगे हुए चंद तारे इतने रहने वाले वख-वख धर्मों के लोगों की एकता दर्शाते हैं। तुहानू इत्थे जान के काफी हैरानी होगी कि दुनिया के 10 सब तो उच्चिया चोटियों में 8 चोटियां कल नेपाल के स्थित ने। यह देश समुद्र तो काफी ऊंचाई से वसया हुआ है, इसलिए इस दुनिया की छत भी कहा जाता है। नेपाल नूं कंट्री ऑफ ग्लोरी दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। जो एक बार इह देश नूं देख लवे उसका दिल हमेशा दे लई इत्थे वस जांदा है। दुनिया दे विच इकल्ला हिंदू राष्ट्र देश सिर्फ नेपाल नूं ही कहा जांदा सी। वैसे तां भारत ते होर देशां दे विच नेपाल तों भी ज्यादा हिंदू रहिंदे ने, पर भारत इक धर्म निरपक्ष देश होण करके इस नूं कदे भी हिंदू राष्ट्र की मानता नहीं दित्ती गई सी। पर नेपाल 2007 तक एक हिंदू राष्ट्र सी, पर साल 2007 दे विच नेपाल दे संविधान दे विच सोध करके इस नूं हिंदू राष्ट्र तों एक धर्म निरपक्ष देश घोषित कर दित्ता गया। नेपाल दी 81% आबादी हिंदू धर्म मानती है। इतों की 9% आबादी बुद्ध धर्म मानती है। इतने 4% आबादी मुसलमान लोगों की है। नाल ही इतने होर कई धर्मों के लोग भी रहते हैं। नेपाल अपने मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यह हिंदू और बुद्ध धर्म की श्रद्धा का मुख्य केंद्र मनिया जाता है। इतों के मंदिर सैकड़े साल पुराने ने, जिन्होंने देख के श्रद्धालुओं का दिल खुश हो जाता है। नेपाल साउथ एशिया का सब तो पुराना देश भी है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लोबनी भी नेपाल के स्थित है। नेपाल काफी कमाल का देश है। इस छोटे जे देश के भी 123 भाषावां बोलियां जांदियां ने। बहुत घट लोग इस गल जानते हैं कि नेपाल का पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक ऑफ नेपाल है। पर्यटक यानी कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा है। इत्थे तुहानू घूमण दे लई बहुत ज्यादा थावां मिल जाणगियां। नेपाल का काठमांडू शहर अपने आप दे विच बहुत सारा इतिहास समेटी बैठा है। इस शहर नूं वर्ल्ड हैरीटेज साइट का रुतबा भी मिल गया है। जेकर तुसीं इस शहर दे विच कुछ पल शांति दे गुजारना चाहुंदे हो तां तुसीं इत्थों दीआं पोखरी दे झीलां उपर जा सकदे हो। यह थां 900 मीटर की उचाई ते स्थित है, जिथे तुहानू खूबसूरत नेपाल अते उस दीआं हिमालय दीआं पहाड़ियां देखण नूं मिल गईआं। पशुपति मंदिर बारे तो तुसीं सारे ही जानते होवोगे। इस नूं नेपाल दी शान मन्निया जांदा है। इस मंदिर दे दर्शनां दे लई हर साल लखां दी गिणती विच सैलानी इत्थे आउंदे ने। इस नूं भगवान शिव दे 8 मुख धामां दे विचों इक मन्निया जांदा है। इस मंदिर दे चारे पासे चांदी दे दरवाजे लगे हुए ने। सौण दे महीने दे विच इस मंदिर दा नज़ारा हर किसी दे मन नूं मोह लैंदा है। इस तों बिना नेपाल दे विच इक सपूत भी बनिया होया है, जिस नूं कि बुद्ध दीआं अक्खां कहा जांदा है। इह थां बुद्ध श्रद्धालुआं दे विच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तुहानूं इह गल सुण के काफ़ी हैरानी होवेगी कि लंबे समें तक नेपाल दी राष्ट्रीय खेड गुल्ली डंडा सी, पर जून 2017 दे विच नेपाल दी राष्ट्रीय खेड वालीबाल घोषित कर दित्ती गई है। हाथी पोलो खेड दी शुरुआत भी नेपाल तो ही हुई सी। इस तों बिना कबड्डी, क्रिकेट अते फुटबाल वर्गियां खेडां भी नेपाल दे विच खेडियां जांदियां ने। इंटरनेट स्पीड दे मामले विच नेपाल दी गिणती दुनिया दे सब तों पिछड़े देशां दे विच कीती जांदी है। इत्थे औसतन इंटरनेट स्पीड 256 KBPS है। मतलब कि जिथे दुनिया अज 5G तक नूं लॉन्च कर रही है, उत्थे ही नेपाल दे विच अज भी 2G चल रहा है। पूरी दुनिया दे विच जिथे अज दे दिन 2022 चल रहा है, उत्थे ही नेपाल दे विच अज 2022
2079 चल रहा है क्योंकि दुनिया के तकरीबन सारे देशों के ईसा पूर्व कैलेंडर फॉलो किया जाता है पर नेपाल के विक्रम संवत कैलेंडर यूज होता है। इसलिए जापान के नवा साल जनवरी नहीं बल्कि अप्रैल के अद्ध में मनाया जाता है। नेपाल का टाइम जोन भी काफी अलग है, इतने माउंट एवरेस्ट के टाइम के आधार से इतों का टाइम सैट किया हुआ है। दुनिया के मानता प्राप्त टाइम जोन के नालों नेपाल का टाइम 45 मिनट पिछे है। नेपाल के लव मैरिज का प्रचलन अज भी बहुत ज्यादा घट है, इतने 90% ब्याह माता पिता की मर्जी नाल यानी कि अरेंज मैरिज ही होंगे ने। इतों सानू यह भी पता लगता है कि नेपाल के लोग अज भी अपनी संस्कृति और परंपरा लैके किन्ने पक्के ने। नेपाल के लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 68% के आस पास है, जिसनों बढ़ाने के लिए नेपाल लगातार कोशिश कर रहा है, पर इतों के कई पिंड मुढ़ली सिक्ख्या तक नहीं है। इतों के कई पिंड बच्चों स्कूल जाने के लिए कई कई किलोमीटर तक पैदल तुरना पैदा है। इतने कई पिंड अजे हैं जिथों के लोगों को सड़क तक आने के लिए 3-3 घंटे पैदल तुरना पैदा है। दुनिया के ज्यादातर देशों के एतवार को छुट्टी होती है पर नेपाल इस मामले में भी अलग है। इतने हफ्ते की छुट्टी एतवार को नहीं बल्कि शनिवार को होती है। इतने शुक्रवार को सारे दफ्तर हाफ टाइम होता है। नेपाल पूरी दुनिया के पानी को सुरक्षित करने के लिए दूजे स्थान पर आता है, पर पानी की सही वरतों नेपाल के लोगों को भी करनी नहीं आती। जेकर नेपाल चाहे तो हाइड्रो प्लांट के नाल इन्नी ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है कि वह अपने लोगों को 24 घंटे बिजली दे सकता है, ते नाल ही वो अपनी वाधू बिजली होर देशों को देकर अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत कर सकता है। नेपाल को इस दे उपर ध्यान देने की लोड़ है क्योंकि नेपाल दे विच अज भी कई थावां ते 8-10 घंटे ही बिजली आउंदी है, ते बिजली की कमी के कारण ही नेपाल दे विच मैनुफैक्चरिंग ते इंडस्ट्री सैक्टर अपने पैर नहीं पसार सकिया। हालांकि इतों के लोगों को हथ दे नाल काम करना चंगी तरह ना आउंदा है। नेपाल की टैक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मजबूत है। इस तों बिना नेपाल कारपेट सीमेंट ते शुगर नूं भी एक्सपोर्ट करता है। नेपाल ते भारत के दरमियान हमेशा तो ही चंगे रिश्ते रहे हैं। इतने तुहानू यह भी दस दिंदे हां कि नेपाल के लोगों की भर्ती भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के विच भी की जाती है। नेपाली लोगों को गोरखा सेना के विच भर्ती किया जाता है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया काल दौरान हुई सी। नेपाल एक अजिहा देश है जिसके कदम भी धर्म और जात के आधार से दंगे नहीं हुए। इस देश के कदम भी किसी का धर्म के नाते कतल नहीं हुआ। इसलिए जेकर तुम कोई धर्म निरपक्ष देश देखना चाहते हो तो नेपाल एक बार जरूर जाना। नेपाल के वैसे तो सारे धर्मों के त्यौहार बड़ी धूमधाम के मनाए जाते हैं, पर शिवरात्रि को लेकर इतों के लोगों के काफी ज्यादा उत्साह होता है। नेपाल का फास्ट फूड भी काफी कमाल का है। मोमोज इतों की प्रसिद्ध डिश है जिहड़ा कि तुहानू इत्थे हर गली चौराहे ते महल्ले दे विच देखण नू मिल जाएगा। नेपाल दे नाल नाल भारत विच भी मोमोज खाण वालियां दी संख्या लगातार वध रही है, खासकर कुड़ियां दे विच। नेपाल दे हर घर दे विच रोजाना दाल चावल बनाया ते खाधा जांदा है। ते इत्थे तुहानू इह भी दस दिंदे हां कि नॉन वेज खाण वालियां दी संख्या भी नेपाल दे विच बहुत ज्यादा है। ते नेपाल इक अजिहा देश है जिथे शराब की वरतों सब तो घट की जाती है। इत्थे अद्धे तो ज्यादा मर्दां ने ते लगभग 3/3 औरतां ने कदे भी जिंदगी दे विच शराब नहीं पीती। नेपाल दे लोगों नू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाउण दा भी काफी शौक है। दुनिया के सब तो छोटे इंसान का रिकॉर्ड भी नेपाल के एक व्यक्ति के नाम है। चंद्रा बहादुर डांगी की लंबाई सिर्फ 24 सेंटीमीटर है, इसलिए इन्होंने नाम गिनीज बुक के विच दर्ज हो चुका है। इस तो बिना दुनिया के सब तो वध हैंडशेक करन दा रिकॉर्ड भी नेपाल के दो लोगों के नाम है। इतों के दो लोगों ने लगातार बिना रुके 42 घंटे तक हैंडशेक किया सी। इह जिन्ना सुनन दे विच आसान लगता है उन्ना ही करन दे विच औखा है। नेपाल के विच ही दुनिया की सब तो उच्ची चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नाल ही दुनिया की सब तो उच्ची झील जिसकी उच्चाई 4800 मीटर है, वह भी नेपाल के विच ही स्थित है। इसका नाम काजन सारा लेक है, जिथे नेपाल की राजधानी अज काठमांडू मौजूद है उत्थे एक झील होया करती सी। पर यह गल अज तो कई हजार साल पहला दी है, अज इत्थे एक बहुत सोहना शहर वस चुका है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन के हिसाब से नेपाल एक बहुत वधिया देश है। इत्थे तुहानू 900 तो वध प्रजातियां दे पंछी देखण नू मिलणगे, ते सैकड़े तरह दी तितलियां भी नेपाल दे विच ही पाईयां जांदियां हन। जंगली जीवां च इत्थे तुहानू हिरन, तेंदुआ, चीता, पांडा, बाघ ते इक सिंह वाला गैंडा देखण नू मिलेगा। इस करके नेपाल नू एशिया दा एमाजोन भी कहा जांदा है। कुछ लोग इत्थे यति नू देखण दा भी दावा कर चुके ने। यति एक तरह दा हिम मानव हुंदा है जिहड़ा कि ज्यादातर कहानियां विच ही सुनाई दिंदा है, पर उस दे इत्थे होण दे कोई सबूत नहीं मिले। वैसे तो दुनिया दे सारे देशां दे नक्शे अलग अलग होंदे हन, पर नेपाल ते पुर्तगाल देश दा नक्शा बिल्कुल इक्को जिहा है। जेकर इन्हां दोनों देशों का तुहानू नक्शा दिखा दिता जाए तो तुहानू इन्हां दे विच ज्यादा फर्क देखण नू नहीं मिलेगा। नेपाल दी करंसी नेपाली रुपया है जिहड़ी कि भारतीय रुपये दे सामने काफी कमजोर है। एक भारतीय रुपये दे नेपाल दे विच 1 रुपया 60 पैसे बन जाते हैं। जेकर तुसीं नेपाल घूमण जाना चाहते हो तो यह तुहानू काफी ज्यादा सस्ता पवेगा। नेपाल ते भारत दे विच चंगी दोस्ती होण दे कारण भारतीयों नू नेपाल जाण दे लई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होंदी। बॉर्डर क्रॉस करन लई तुहाडे कोल भारतीय सरकार वल्लों जारी कोई भी आई डी प्रूफ होना चाहिए है, जिवें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। जेकर तुसीं घट बजट दे विच कोई देश घूमना चाहते हो तो नेपाल इस दे विच बेस्ट है। तुसीं ट्रेन, बस या हवाई जहाज राहीं भी नेपाल जा सकते हो। नेपाल जाण तों बाद उत्थों दीआं प्रमुख थावां देखण दे लई तुहाडे कोल 25-30 हज़ार रुपए काफी होणगे। इन्ने घट बजट दे विच शायद ही तुसीं कोई होर देश घूम सकोगे। ए सी जी कमाल दे देश नेपाल बारे कुछ रोचक तत्थ। तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना। साडे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना, फेसबुक के पेज ओ टीवी नूं जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।